हाय दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल त्रिपाठी, आप देख रहे हैं शेयरिंग इट। लेनोवो ने लॉन्च कर दिया है लेनोवो Z5, वो भी चाइना में। तो इस वीडियो में देखते हैं क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या उसकी प्राइसिंग और क्या ये टक्कर दे पाएगा इंडिया में शाओमी को, ओप्पो को या फिर कहें आसुस के ज़ेनफोन को। और इसका जितना हाइप क्रिएट किया गया था मार्केट में कि इसके अंदर होगा 4 TB का इंटरनल स्टोरेज और इसकी बैटरी चलेगी 45 दिन तक, ये सब सरासर गलत निकला। तो आप बने रहिए शेयरिंग के साथ, प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। लेनोवो ने आज ही लॉन्च कर दिया लेनोवो Z5, वो भी चाइना के अंदर। इसका इवेंट था आज 12 बजे, तो मैं आपके लिए लाया हूँ सारा स्पेसिफिकेशंस और इसकी प्राइसिंग। लेनोवो Z5 के अंदर है स्नैपड्रैगन 636 और इसके अंदर है 6 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज। जो इसके पहले रूमर्स थे कि इसके अंदर हो सकता है 4 TB का इंटरनल स्टोरेज, ये सरासर गलत निकला। इसके अंदर है 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। इसकी स्क्रीन साइज है 6.2 फुल HD डिस्प्ले और ये आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। और जैसा कि हमने इसके पहले वाले मोबाइल्स में देखा था, इसके अंदर है नॉच जो कि सेम कॉपी किया गया एप्पल से। तो अब सारे फोन से लेके आ रहे हैं नॉच वाला डिजाइन, इसमें शामिल हो गए लेनोवो का Z5 भी। अब हम बात करते हैं मोबाइल के कैमरा की। तो इसके पीछे लगा है डुअल कैमरा जो कि एक वर्टिकल सेटअप है सेम आईफोन जैसा। इसका कैमरा है 16 MP रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा है 8 MP का। इसका अपर्चर है 2.0 का। और इसके कैमरा की खासियत है इसके अंदर है बोके मोड और इसके अंदर है 4K वीडियो शूटिंग मोड। तो कैमरा इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, लेकिन ये टक्कर दे सकता है अगर इसका प्राइस कम होगा तो। तो इस वीडियो में देखते हैं आगे जाके कि इसका प्राइस कितना हो सकता है और क्या ये टक्कर दे पाएगा इंडिया में शाओमी और आसुस जैसे ब्रांड्स को। इसकी बैटरी है 3300 mAh और इसके अंदर क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट किया गया है। इसका स्क्रीन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो कि है 2.5। ये स्मार्टफोन जो कि है लेनोवो Z5, ये आता है 3 कलर में, एक है ब्लैक, ब्लू और ऑरा कलर। ये एक नया ही कलर उन्होंने पेश कर दिया है। ये स्मार्टफोन की कीमत चाइनीज युआन में रखी गई है 1300 युआन। तो इसको अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 14,000 रुपए के आसपास। जिस सेगमेंट में लेनोवो ने ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है, यहाँ पे इसका कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो और ओप्पो का रियलमी 1 और आसुस का ज़ेनफोन प्रो। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा और इसे बहुत ही बेहतरीन फोन पेश करना चाहिए था, लेकिन ये सारे स्पेसिफिकेशंस हम देख सकते हैं ये सारे स्मार्टफोन्स में। तो आगे देखना पड़ेगा ये कंपटीशन कैसा होता है ये चारों स्मार्टफोन्स के बीच में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप बने रहिए शेयरिंग के साथ, प्रेस कर दीजिए वो लाइक बटन और प्रेस कर दीजिए रेड सब्सक्राइब बटन। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ, तो फटाफट प्रेस कर दीजिए रेड सब्सक्राइब बटन।